शहर के अजमेर रोड स्थित परशुराम भवन में भारतीय जनता पार्टी जिला देहात विधि प्रकोष्ठ की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विधि प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। बैठक में विधि प्रकोष्ठ के जिला देहात अध्यक्ष यज्ञेश शर्मा, भाजपा जिला देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतरा, जिला विधि प्रकोष्ठ प्रभारी निधि खंडेलवाल, ब्यावर बार अध्यक्ष टीकम सिंह चौहान तथा सौरभ सारस्वत ने बतौर अतिथि के रूप में शिरकत की। बैठक का शुभारंभ मां भारती श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान उपस्थित मंचासीन अतिथियों का माला विसाफा पहनाकर स्वागत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता अपनी ताकत को पहचाने। इस दौरान वक्ताओं ने विधि प्रकोष्ठ की पार्टी में भूमिका को लेकर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगामी समय चुनावी समय है जिसमें विधि प्रकोष्ठ की भूमिका को हमें निभाना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए हमें संगठन का विस्तार करना होगा जिससे कि संगठन मजबूत होगा और हम अधिक से अधिक लोगों के बीच में जाकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का आमजन तक पहुँचाकर उन्हें उनका लाभ पहुँचा सके। तभी आगामी समय में होने वाले विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में विजय हासिल कर सकेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनावी समय को देखते हुए सदस्यों को अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस दौरान वक्ताओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार की नाकामी को लेकर जमकर प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। इसी बात का फायदा उठाते हुए हमें सक्रिय होकर आमजन तक पहुंचकर राज्य की गहलोत सरकार की नाकामियों को बताकर विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल कर सकते हैं। वक्ताओं ने कहा कि सेतु हमें संगठन को मजबूत करना होगा और सक्रिय होकर पार्टी के लिए तन मन धन से कार्य करना होगा। बैठक के दौरान विधि प्रकोष्ठ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दीपक शर्मा, सुनील कौशिक, लक्ष्मण सिंह पंवार, लक्ष्मीकांत व्यास, संजय नाहर, यशवंत चौहान, नरेश शर्मा, पवन बाघमार, हुकुम सिंह चौहान, पप्पूलाल जांगीर, कमल भराड़िया, पल्लवी पारिक, भागचंद बैरवा, सज्जन सिंह चौहान, ज्ञानेंद्र सिंह गहलोत, गोविंद कंसारा, अशोक सिंघवी, नवीन मेहता, पुष्पा कमल राठौड़, मनोहर रावल, वीरेंद्र कुमार गौर, शिवदास राठौड़, इंद्रचंद प्रजापति, राजेश बंसल, विजय दग्दी, शिवा खंडेलवाल, बलवीर कुमार साहू, ललित नारायण मेहरा, अनूप पारचे, हेमंत शेखर, मनीष साखला, श्याम प्रताप सिंह, अशोक अचमेरा, राहुल सोनी, जितेंद्र भाटी, सौरभ सोनी, विकल्प शर्मा, नरेश मित्तल, चेतन गोयल, सुनील शर्मा, संतोष जागृत, ब्रजकिशोर शर्मा, रवि चौहान, दिलीप शर्मा तथा नरेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में विधि प्रकोष्ठ के सदस्य मौजूद रहे।